भगवान महाकाल की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, भगवान देवनारायण जी कृपा है, तराना की जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम, उन्होंने खुद खून पसीना बहाया और मेरे मित्रों की जीत है जो मेरे साथ रात दिन मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक लाए, तो ये जीत का श्रेय भगवान को है और सब कार्यकर्ता साथियों को जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। ये मन के आंसू थे, दिल से आत्मा के आंसू थे, मैंने कोई बनावटी आंसू नहीं थे, तराना की जनता बहुत समझदार है, वो सब लोग जानते हैं, तो पूरा श्रेय तो तराना के जनता जनार्दन को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लगभग परिणाम आ चुके हैं, अच्छे अच्छे दिग्गज जो है भाजपा की आंधी में, या यूं कहें कि लाडले बहना की जो आंधी आई थी उसमें उड़ चुके हैं, लेकिन उज्जैन से तराना के मौजूदा विधायक और एक बार फिर विधायक चुन लिए गए महेश परमा मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर उनका ऐसा क्या मैनेजमेंट था कि जहाँ भाजपा ने दिग्गज कांग्रेसियों को हरा दिया लेकिन वे चुनाव जीत गए हैं। निश्चित रूप से भगवान महाकाल की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, भगवान देवनारायण जी कृपा है, तराना की जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत परिश्रम, उन्होंने खुद खून पसीना बहाया और मेरे मित्रों की जीत है जो मेरे साथ रात दिन मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक लाए, तो ये जीत का श्रेय भगवान को है और सब कार्यकर्ता साथियों को जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, उनके ही आशीर्वाद से संभव हुआ है। देखा गया था कि तराना की एक सभा हुई थी, उस मंच से महेश परमार के जो आंसू बहे थे और उसके खिलाफ एक सामने लाडली बहना थी, तो क्या मानते हैं आप, जनता ने आपके आंसुओं को की कदर की? ये मन के आंसू थे, दिल से आत्मा के आंसू थे, मैंने कोई बनावटी आंसू नहीं थे, तराना की जनता बहुत समझदार है, वो सब लोग जानते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति को दूसरी बार उन्होंने विधायक बनाया, सब अच्छे, हमारे यहाँ के किसान हैं, हमारे यहाँ के युवा पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ के बुजुर्ग आशीर्वाददाता बहुत वरिष्ठ लोग हैं, सभी बहनें हमारी, तो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया, उनकी मेहनत से ही संभव हो पाया, तो पूरा श्रेय तो तराना के जनता जनार्दन को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है। जी, तराना में ऐसे तमाम जो कार्य हैं वे किन प्राथमिकताओं पर रखेंगे आप, जो काम बाकी रह गए हैं? निश्चित रूप से किसान भाइयों को अच्छा दाम मिले, खाद मिले, बिजली मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, बुजुर्ग माता पिता का सम्मान बढ़े, बेटियों के लिए अच्छे महाविद्यालय विद्यालय बने, ये बहुत सारे बिंदु हैं, पेयजल हो, सिंचाई के स्रोत बढ़ें, इन सब बिंदुओं पे काम करना है, इस विषय में तराना में विकास जब भी हो पाएगा ये सब काम होंगे। तो ये थे मेरे साथ तराना से विधायक चुन लिए गए महेश परमार, जिनका कहना है कि वो मेरे मन के आंसू थे जो तराना की जनता ने देखे हैं। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सटीक, बेबाक।